बात में कोई दोहराए नहीं कि पाकिस्तान एक आतंकवाद प्रधान देश है, पर वो हमेशा से इसका इनकार करते हुए आया है। आर्मी चीफ बिपिन रावत के बयान से उसकी नापाक हरकतों का भंडाफोड़ हो गया है। आखिर क्या बताया उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपनी हरकतों से बाज न आने वाले पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादी गतिविधियों को तेज कर दिया है, वो भी कहीं और नहीं बल्कि बालाकोट में। सेना प्रमुख ने खुद ये बात मीडिया को बताई है। उन्होंने कहा कि बालाकोट में लगभग 500 आतंकवादी से ज्यादा सक्रिय हैं। पाक ने अपने सारे आतंकी कैंप को सक्रिय कर रखा है। मीडिया से बात करते हुए पीओके और पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा कि मैं आपको बता दूं, बालाकोट को पाकिस्तान में हाल ही में फिर से सक्रिय किया गया है। बालाकोट को पाकिस्तान ने बहुत अधिक सक्रिय कर दिया है। यह इस बात को दर्शाता है कि बालाकोट तबाह हुआ था और यही कारण है कि आतंकी वहां से भाग गए थे और अब उसे दोबारा सक्रिय कर दिया गया है। जब पूरा देश 14 फरवरी वाले अटैक यानी पुलवामा अटैक के बाद शोक में था, तो बालाकोट में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एयर स्ट्राइक की थी। वायुसेना ने मिराज 200 विमान के जरिए जैश ए मोहम्मद के आतंकियों पर बमबारी कर उनके ठिकानों को ध्वस्त किया और आतंकियों पर टूट पड़े, जहां उनको अपने बिलों तक में छुपने का मौका नहीं मिला। फिर क्या था, 200 आतंकवादी सुफिरदे खाक हो गए। इस एयर स्ट्राइक में कई आतंकी कमांडर भी ढेर हुए, पर इस बात को कभी भी पाकिस्तान ने कबूला नहीं, हमेशा ही इसको भारत के झूठे दावे साबित करने में लगा रहा। पर दोबारा उसी जगह सक्रिय होने से यह तो तय हो गया है कि पाकिस्तान ने जितनी बार भी बोला झूठ ही बोला और उसका सच दुनिया के सामने आ गया। इसी सच को सबको बताते हुए बिपिन रावत ने एक खुशखबरी भी दी कि कश्मीर और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का संपर्क आपस में टूट गया है, जिसकी वजह से कश्मीर में आतंकी गतिविधि भी कम हो जाएगी। पर पाकिस्तान कब बाज आया है, जो अब आ जाता तो उसने सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, पर भारतीय सेना ने उसके इस चाल को भी नाकाम करते हुए ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तो देखा आपने, एक और पाकिस्तान पूरे विश्व में शांति की दुहाई देता है और दूसरी ओर आतंकवाद को बढ़ावा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसे यूएन की लताड़ सुननी पड़े। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।